42 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ शिमला शर्मा योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक ओके स्टूडेंट्स रिमेम्बर दैट हाउ विच चैप्टर इज गोइंग ऑन राइट नाउ यस हूज टेल मी ओके कौन बताएगा बेटा कि कौन सा चैप्टर हम रीड कर रहे हैं यस नवधा बताएंगे ओके आरोही यस बेटा चैप्टर नंबर 3 हमने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग कंप्लीट कर ली हमारा रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है ना आज हम क्या करेंगे बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक फास्ट एंड नोटबुक पेंसिल इरेजर ओके अच्छा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पूछूं मैं आपसे कि क्या पढ़ा था हमने इस स्टोरी में यस कौन आंसर देगा इस चीज का कि क्या पढ़ा था बेटा हमने यस नव्या आप बताएंगे नव्या ओके साथ लवेश यस क्या पढ़ा था बेटा हमने पढ़ा था कि जो संगठन होता है मिलजुल कर जो काम करते हैं उनसे सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है ये सीख मिली थी हमें ओके गुड अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सो स्टूडेंट्स टेक आउट पेज नंबर 18 निकाल लिया वेरी गुड अब देखो पेज नंबर 18 पर सबसे ऊपर लिखा है ओरल मिला बेटा आपको गुड अब ओरल यानी इसके मौखिक आंसर हमें देने हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है कौवा जंगल में किस पेड़ पर रहता था तो किस पेड़ पर रहता था यस टेल मी दिस क्वेश्चन आंसर कौन बताएगा यस तनुश्री क्या आंसर होगा बेटा इसका यस बरगद कहाँ कौन से पेड़ पर जंगल में कौन से पेड़ पर कौवा रहता था बरगद के पेड़ पर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौवे ने एक दिन क्या देखा क्या देखा था कौवे ने यस पाइजा इसका आंसर क्या आएगा बेटा गुड इसका आंसर होगा कि कौवे ने देखा कि एक शिकारी कंधे पर जाल डाले उन्हीं के पेड़ की तरफ आ रहा है ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब पंछियों ने क्या तय किया क्या तय किया सारे पक्षियों ने मिलकर के क्या तय किया था उन्होंने जब कौवे ने उनको समझाया तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस जाल को लेकर ही उड़ जाएं ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी के जाल में कौन फंस गए शिकारी के जाल में कौन फंस गए तो शिकारी के जाल में कौन फंसे थे इसका आंसर कौन देगा जितेंद्र यस क्या आंसर आएगा बेटा इसका इसका आंसर आएगा कबूतर ठीक है और ओरल में लास्ट क्वेश्चन है शिकारी के जाल को किसने काटा यस किसने काटा कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर यस अनवी क्या आएगा बेटा चूहा ठीक है यानी शिकारी के जाल को किसने काटा शिकारी के जाल को चूहे ने काटा ठीक है इसको हम चूहे कर देते हैं ये हो गया चूहे ने ठीक है अब आते हैं हम रिटन क्वेश्चन आंसर्स पे रिटन क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए पेड़ पर कितने पंछी रहते थे 10 5 और सैकड़ों तो कितने रहते थे
अरे वाह, सबको पता है। यस, सैकड़ों। कौवा किसकी खोज में उड़ता हुआ जा रहा था? कोयल की, दाने की, पानी की? यस, टेल मी आंसर वान्या। यस, दाने की। दूर से किनका झुंड उड़ते हुए आया? कौवों का, चिड़ियों का, कबूतरों का? यस, बताइए बेटा जल्दी से इसका आंसर। ओके, कौन बताएगा? जल्दी बताओ जल्दी से। अरे वाह फायजा, बिल्कुल करेक्ट बेटा, इसका आंसर आएगा कबूतरों का। जाल में फंसे सारे कबूतरों ने एक साथ क्या किया? जाल को साथ लेकर उड़े, जाल में फंसे रहे, या जाल को काटने लगे? तो जाल को साथ लेकर उड़े, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, कंप्लीट। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शिकारी को देखकर कौवे ने क्या सोचा? ठीक है, शिकारी को देखकर कौवे ने क्या सोचा? तो इसका आंसर बेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, ठीक है? अच्छे अच्छे गुड हैंड राइटिंग में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 2 का क, ठीक है, लिखो। यदि इस शिकारी ने अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दिया तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ में इसके जाल में फंसकर मारे जाएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि शिकारी को देखकर कौवे ने क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा कि यदि इस शिकारी ने अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दिया तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ में इसके जाल में फंसकर मारे जाएंगे। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर से कोई भी पंछी दाना चुगने क्यों नहीं आया? ठीक है, तो इसका आंसर भी हम इसी के नीचे लिख लेते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे डाल देते हैं ख। अब इसका आंसर नोट करो, ठीक है बेटा। पेड़
पर से कोई भी पंछी दाना चुगने इसलिए नहीं आया क्योंकि उन सबको कौवे की बात पर विश्वास था। पेड़ पर से कोई भी पंछी दाना चुगने इसलिए नहीं आया क्योंकि उन सबको कौवे की बात पर विश्वास था। हैव यू डन ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग। कौवे ने जाल में फंसे कबूतरों को क्या समझाया? ओके बेटा, कौवे ने जाल में फंसे कबूतरों को क्या समझाया? तो इसका आंसर भी मैं इसके नीचे यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है? आप भी लिखेंगे ग। तो अब लिखो, कौवे ने समझाया, क्या समझाया उसने साथियों आप घबराएं नहीं। आप घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें। हिम्मत से काम ले, जो मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। रहते हैं, ठीक है बेटा? ओके, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ग। कौवे ने समझाया साथियों आप घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें। जो मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। ओके बेटा, डन, वेरी गुड। अब आपको ये जो तीनों क्वेश्चन के आंसर जो अभी हमने नोट करे हैं, ये अगुड हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे से साफ सुथरे अपने नोटबुक में
करना है, ठीक है। ये है आपका आज का होमवर्क, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको करना है और मुझे सेंड करना है। प्लस इसके साथ साथ आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में आपको इनको लर्न भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होता है, आपका जो बर्डन है वो कम होता जाएगा। सो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स टिल देन गुड बाय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए ना, तो 2 मिनट लगेंगे।